अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैर कैरियर से हैं, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम एमएस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्टार्ट करने लगे हैं। आज फर्स्ट क्लास है, सो स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करने के लिए आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होना, एमएस ऑफिस इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और ड्राइव के थ्रू मैंने डाला हुआ है, वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आए चलते हैं, देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की क्या सेटिंग है, किधर मौजूद होता है और क्यों इस्तेमाल होता है। हम विन कमांड ले लेंगे, विंडो का लोगो प्रेस करेंगे और आर जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो विन कमांड का हमारे पर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, कुछ इस तरह के जो आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर। ये पावर हम इसकी अच्छा हम पावर पॉइंट जब हम खोल लेंगे तो ये ओपन के बराबर में हमारे पर कुछ कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। यहाँ पर हम जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसकी शॉर्टकट की पुट करते हैं ताकि वो हमारे पर खुल के सामने आ जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हमारे पर शॉर्टकट की होती थी विन वर्ड, WINWORD विन वर्ड हमारे पर शॉर्टकट की होती थी। इसकी पावर पॉइंट की शॉर्टकट की होती है PWE PWER और PNT, नॉट अ पॉइंट, ठीक है। PNT होती है, जैसे इंटर करेंगे ओके पे प्रेस कर देंगे तो वहाँ पर पावर पॉइंट खुल के आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास पावर पॉइंट खुल के आ जाएगा तो यहाँ इसके कुछ टेम्पलेट्स हमारे पास बने बनाए मौजूद होते हैं जिसे हम डिज़ाइन कहेंगे। आगे जाके हम इसको भी पढ़ेंगे कि किस तरह हम अभी पढ़ने लगे कि किस तरह क्या डिज़ाइन किस में अप्लाई होता है इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारे पास पावर पॉइंट की ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहिए तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। अगर कलरफुल चाहिए तो कलरफुल भी यहाँ से आप पुट कर सकते हैं। ये रिसेंट है कि मतलब रिसेंट में जो आपने काम किया होगा तो वो यहाँ पर शो होगा। ओपन अदर प्रेजेंटेशन, आपने कोई अदर प्रेजेंटेशन ओपन करनी है इसके अलावा अगर आपके कंप्यूटर में बनाई हुई है और मौजूद है तो वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अभी हमारा किसी पे काम है नहीं, अभी हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेंगे। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेंगे तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स हमारे पास सामने आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, जो हमारे को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जिसे एमएस पावर पॉइंट भी कहते हैं, पावर पॉइंट बेसिकली हमारे पास प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है और प्रेजेंटेशन के मायने होते हैं किसी भी अपनी चीज़ को किसी के आगे पेश करना, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, टॉपिक हो, टाइटल हो, पेपर हो या कोई भी आपकी रिसर्च हो या थीसिस भी हो। तो पेपर, फाइनल पेपर इन सेंस यूनिवर्सिटी वगैरह में होते हैं, उसमें प्रेजेंटेशन का बड़ा वर्क होता है। जो आजकल जितना भी प्रेजेंटेशन का काम है वो एमएस पावर पॉइंट पे हमारे पास मौजूद होता है, उस पर हम काम करते हैं। और ये बेसिकली पावर पॉइंट के लिए प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन के लिए बनाया गया है। तो इसकी कुछ सेटिंग हमारे पास होती है, वो सेटिंग देख लेते हैं क्या होती है। ये हमारे पास टाइटल बार होती है, जो फाइल जिस नेम से सेव होगी वो यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर मेन्यू बार है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू, यहाँ पर मेन्यू बार हो गया। ये हमारे पास रिबन बार, जिसे टूल बार भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास टाइटल बार हो गया, मेन्यू बार हो गया, रिबन बार, जिसे टूल बार, और नीचे स्टेटस, जो पेज की हमारे पास सेटिंग बताएगा कितने कॉमेंट्स, नोट्स और कितना पेज जूम है और जूम आउट है, कितना करीब है, कितना दूर है, ठीक है। स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं क्लास आज की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हमारे पास कुछ स्लाइड्स होती हैं इसके अंदर, जैसे हमारे पास जो ये पहली स्लाइड्स होती है पावर, जो आपको सामने शो हो रही है, एक क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब, ये पेज होता है इसका लैंडस्केप में, ये प्रेजेंटेशन का पेज कहलाया जाता है। अच्छा, इस पेज का नाम जैसे एमएस वर्ड में जो एमएस वर्ड का फर्स्ट पेज होता था उसको डॉक्यूमेंटेशन पेज कहते थे, और पावर पॉइंट का जो फर्स्ट पेज है इसको टाइटल पेज कहते हैं, इसको कहते हैं टाइटल पेज। तो इसी तरह ये जो आप सारी सेटिंग्स देख रहे हैं ये तो आम तौर पर जो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हैं अमूमन वो एमएस वर्ड में हमारे पास मौजूद थी। शेप्स वगैरह से चार्ट ही हम सब वहाँ पर पढ़ के आए। जो स्टूडेंट नहीं है तो वो पहले एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पहले कंप्लीट करें, पावर पॉइंट फिर सीखेंगे तो आपको आसानी भी रहेगी। और इंशाल्लाह ताला जब पूरा ऑफिस कम्प्लीट हो जाएगा हमारा, ये लास्ट सॉफ्टवेयर है हमारे पास, तो इसके बाद मैं आपको सर्टिफिकेट भी इशू करा दूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सेटिंग होती है, जैसे प्रेजेंटेशन हमारे पास ये पेज आ गया प्रेजेंटेशन का। तो चलते हैं बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है इसमें और क्यों इस्तेमाल होती है। तो प्रेजेंटेशन का ही सॉफ्टवेयर है हमारे पास, तो ये बहुत इजी है, इसको भी इंशाल्लाह ताला जल्द ख़त्म करेंगे। जैसे हमने एमएस वर्ड को ख़त्म करा है, इसकी 4-5 दिन में इंशाल्लाह ताला इसको ख़त्म कर लेंगे और कुछ ज़्यादा इसमें चीज़ें पढ़ने वाली है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये न्यू स्लाइड हमारे पास है। अब हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने न्यू स्लाइड लेनी है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पर न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी जितनी हमें चाहिए होंगी। अब आप ये देख रहे होंगे कि पहले है जो स्लाइड है उस पर आ रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख लेता हूँ ग्राफिक विजन, यहाँ लिख लेता हूँ P2P पॉइंट टू पॉइंट द कंप्यूटर लर्निंग इंस्टीट्यूट, द कंप्यूटर लर्निंग इंस्टीट्यूट। ये हमने यहाँ पर
इसको बेसिकली टाइप हमने कर दिया। अब मैं नीचे इसको हम नीचे बता देंगे इसको यहाँ पर, ठीक है। हम इसको नीचे भी एक शो करा देते हैं। अब ये तो हमारे पास टाइटल हो गया, ठीक है। सब टाइटल क्या होता है, इसकी सब हेडिंग, जिस तरह हमारे कॉल रजिस्टर वगैरह या नोट्स में बनाते हैं उसी तरह हमारे पास सब टाइटल भी होता है। सब टाइटल क्या काम होता है, इसको हम ब्रीफली डिफाइन कर देते हैं, हम इसको बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे P2P द कंप्यूटर लर्निंग इंस्टीट्यूट है, तो हम कर देते हैं वी ग्रो टुगेदर, वी ग्रो टू गैदर। तो हमारे पास सब टाइटल इसकी हमारे पास ये हो गई वी ग्रो टू गैदर, और हमारे पास टाइटल एड टाइटल, टाइटल हमारा क्या हो गया P2P.2. द कंप्यूटर लर्निंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की होती है। अब फॉर एग्जाम्पल कि अब मैं चाहता हूँ कि जो दूसरी वाली जो पेज है उस पर क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, मतलब अब फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर मैं कोई कोर्स है उसका नाम लिख सकता हूँ टाइटल का, और यहाँ पर उसके मुताबिक उसको डिफाइन कर सकता हूँ और उसके बारे में और चीज़ें मैं बता सकता हूँ। और तीसरी जो हमारे पास स्लाइड है इसमें भी एज इट इज़ यही चीज़ है कि इसके बारे में मैं टाइटल दे सकता हूँ और इसके साइड, अब जितनी भी मैं स्लाइड लेऊंगा इसकी तो उसमें यही सेटिंग आएगी। अब आप चाहते हो कि मेरे पास जी हमारे पास जो ये वाली आ रही थी, और हमारे पास जो ये वाली आ रही थी, ठीक मैं इसको कर दूँ, अच्छा जो ये वाली क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड साइड टाइटल, ये हमारे पास दोबारा आ जाए। फॉर एग्जांपल ये वाली हमारे पास दोबारा आ जाए, तो आप न्यू स्लाइड में यहाँ पर देख रहे होंगे ये एरो के जहाँ कर्सर मेरा मूव कर रहा है इस पर, न्यू स्लाइड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे लेआउट होते हैं ये, ठीक है। ये पेज के हमारे पास लेआउट होती है, पेज की सेटिंग होती है, ठीक है। हम आगे चल के ये भी पढ़ेंगे। जो हमारे पास अभी टाइटल स्लाइड ही आपको अगर फॉर एग्जाम्पल चाहिए तो टाइटल स्लाइड आप ऐड कराते रहेंगे तो हमारे पास टाइटल यहाँ से क्लिक कर लिएगा, टाइटल स्लाइड पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखें जो पहली हमारे पास टाइटल स्लाइड थी वही हमारे पास शो होके आ रही है। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारे पास ये जो पहली स्लाइड होती है वो टाइटल स्लाइड होती है, जो बाकी जितनी भी स्लाइड्स आएंगी वो हमारे पास सिर्फ उसको स्लाइड्स कहेंगे, नॉट अ टाइटल स्लाइड कहेंगे। क्योंकि जो पहला पेज होता है उसको हम टाइटल, पहला पेज जो पावर पॉइंट का होता है उसको हम टाइटल स्लाइड कहते हैं। जैसे एम एस एक्सेल का जो पेज होता है उसको स्प्रेडशीट कहते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन का जो एम एस वर्ड का जो पेज होता है उसको हम डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन पेज कहते हैं। तो इसी तरह जो हमारा पावर पॉइंट का पहला पेज होता है उसको टाइटल पेज कहते हैं, और जो दूसरा पेज आया होता है हमारे पास उसको हम स्लाइड्स कहेंगे। जो जितनी भी यहाँ पर आती है हमारे पास 1, 2 एरो यहाँ पर नंबर्स में जो हम जितनी भी हमारे मौजूद होंगी इस साइड पर, ये हमारे पास स्लाइड्स होती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर हम मैं इसको कुछ हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं इसको, और इसको हम पूरा वो, ठीक है, और इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, डिलीट करके न्यू स्लाइड में आके टाइटल सेट कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेज की सेटिंग है। अब मैं चाहता हूँ कि टाइटल एंड कॉन्टैक्ट हमारे पास ये कॉन्टैक्ट का पेज आ जाए, तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये टाइटल एंड कॉन्टैक्ट का पेज आ गया, ठीक है। फिर न्यू स्लाइड पर क्लिक करूँगा सेक्शन हेडर, तो सेक्शन हेडर का पेज आ गया। इसमें भी बेसिकली एक ही काम होता है, क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड टेक्स्ट होता है। इसमें टाइटल ऐड करेंगे और उसके बारे में जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर रेड हो तो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दे देंगे। तो इस ये पेज के लेआउट होते हैं कुछ हमारे पास जिसमें हम दे सकते हैं। अच्छा इसके अलावा हम यहाँ से जो हमारे पास दूसरे और दूसरे भी पेज मौजूद होते हैं वो भी ऐड कराना चाहते हैं, न्यू स्लाइड में क्लिक करेंगे टू कॉन्टैक्ट, ठीक है। टू कॉन्टैक्ट इसमें मतलब कंपेरिजन करा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड मोबाइल लिख लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड मोबाइल, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया, तो ये हमारे पास कंपैरिजन के लिए काम करता है, ये बिटवीन डिफरेंस के लिए हमारे पास काम करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख लेता हूँ मैं कंप्यूटर, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ मोबाइल, तो इसके बारे में हम कंपैरिजन करा सकते हैं, इसके पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके बारे में मतलब खसूसियात वगैरह भी लिख सकते हैं, और इसका डिफरेंस भी एक दूसरे को बता सकते हैं। तो ये वाला जो हमारे पास पेज है तो ये हमारे पास बिट डिफरेंस कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हेडिंग भी नीचे नाम भी दिया हुआ है हर पेज का कंपैरिजन, तो यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं कि कंपैरिजन कराएंगे, कंप्राइज कराएंगे उसको एक दूसरे। इसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ टाइटल ओनली की पेज चाहिए, सिर्फ मैं टाइटल ही लिखूँ और इस पर दूसरा टेक्स्ट ना लिखो तो ये क्लिक टू ऐड टाइटल है, यहाँ सिर्फ टाइटल आएगा और चीज़ें हम ऐड नहीं करा सकते। ब्लैंक पेज है, हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ब्लैंक पेज हमारे लिए क्यों इस्तेमाल होता है। कंटेंट विद कैप्शन भी हम इस्तेमाल करते हैं, पिक्चर विद कैप्शन के पिक्चर के साथ भी हमारे कैप्शन हो। जैसे हम फेसबुक पर पोस्ट पेज पोस्ट लगाते हैं कोई, उसके ऊपर हम कैप्शन लिखते हैं, फिर पोस्ट
हम लोग पिक्चर को पोस्ट करते हैं, तो इसी तरह इसमें पिक्चर लगा देंगे, यहाँ इसका कैप्शन लिख देंगे। तो बेसिकली हमारे पास यही काम करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्लाइड आपकी अदरवाइज गलती से ऐड हो गई है या आप उसको हटाना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे उस पर, यहाँ पर डिलीट स्लाइड का ऑप्शन, डिलीट स्लाइड है तो उस पर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिलीट भी हो जाएगी। अच्छा, और एक और तरीका भी हमारे पास डिलीट स्लाइड का होता है, इस पर आप जो स्लाइड आपको डिलीट करनी है उस पर क्लिक करके रखेंगे और डिलीट का कीबोर्ड से बटन दबाएंगे तो वो भी हमारे पास डिलीट हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास दो तरीके हो गए स्लाइड को डिलीट करने के, दो से तीन तरीके इसलिए मैं आप लोगों को डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप लोग भूलें तो फॉर एग्जाम्पल आपको याद आ जाए, अदरवाइज आपको ऐसा भूलेंगे तो नहीं इंशाल्लाह ताला, लेकिन आपको कोई तरीका जो आसान लगे वो अप्लाई कर सकें। इस वजह से मैं आपको दो से तीन तरीके बता देता हूँ। अच्छा, हमने अब न्यू स्लाइड अगर फॉर एग्जाम्पल ऐड करानी है आपने, तो ये न्यू स्लाइड लिखा हुआ है यहाँ पर भी, आप टाइटल जो भी आपको स्लाइड चाहिए तो हम यहाँ से ऐड ऊपर से बटन जो दिया हुआ है एक दफ़ा उसको बता देंगे कि कौन सी स्लाइड ऐड करानी है, जब ऊपर से आप प्रेस करेंगे तो वही स्लाइड हमारे पास ऐड होके आती रहेगी। ठीक है, यहाँ से भी ऐड करा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसकी एक शॉर्टकट की होती है, जैसे हमने पढ़ा है कि किसी भी टूल पर आप रखेंगे फॉर एग्जाम्पल जाके कर्सर, तो वो हमारे उसका काम और हमारे पास शॉर्टकट की बता देता है। इसी तरह न्यू स्लाइड हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है इस पर जैसे ही आप कर्सर रखेंगे तो हमें बता रहा है कि ये न्यू स्लाइड है, न्यू स्लाइड लेने के लिए ये टूल इस्तेमाल होता है और ऐड अ स्लाइड टू योर प्रेजेंटेशन। हमने इंग्लिश में इसने काम भी बता दिया, उसकी शॉर्टकट किया है कंट्रोल एम। जैसे मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एम प्रेस करूँगा तो वहाँ पर स्लाइडें ऐड होती रहेंगी। देखिए, कीबोर्ड से कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, डिलीट दबाएंगे तो हट जाएगी, कंट्रोल एम दबाएंगे अगेन आई रिपीट तो आपके पास ऐड होती रहेगी। और इसके अलावा आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ना न्यू स्लाइड, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप राइट क्लिक से ऐड करा सकते हैं, अदरवाइज ऊपर उसके क्लिक करेंगे यहाँ से भी ऐड करा सकते हैं और कंट्रोल एम से भी ऐड करा सकते हो। तो स्लाइड ऐड कराने के हमारे पास तीन तरीके एमएस पावर पॉइंट में हमारे पास मौजूद होते हैं। अभी हम इसको डिलीट कर लेते हैं, एक ही स्लाइड पर लिख लेते हैं जिस पर हमने काम करना है। तो हमारे पास कुछ ये स्लाइड्स की सेटिंग होती है। अब फॉर एग्जांपल इसमें प्रेजेंटेशन में आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए नो हाउ करने में आसानी हो, नॉलेज थोड़ी पता चले कि किस लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है। तो हम वही लिख लेते हैं जो हमने पहले लिखा था, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है, जो चैनल है जिस हिसाब से हमने वो लिख लिया, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वी लर्न एंड ग्रो टुगेदर, वी लर्न एंड यहाँ पर लिख लिया एंड ग्रो टुगेदर। ठीक है, यहाँ पर हमने कैपिटल कर लेते हैं, हम लिख के लिख लेता हूँ मैं टुगेदर। ठीक है, वी लर्न एंड ग्रो टुगेदर, ये हमारे पास सब टाइटल हो गया, ये हमारे पास टाइटल हो गया। कंट्रोल एम कर लेता हूँ, हमारे पास दूसरी स्लाइड आ गई, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। अब ये किस तरह स्लाइड्स हमारे पास इस्तेमाल होती है हम वो डिस्कस कर लेते हैं, कौन सी स्लाइड किस तरह इस्तेमाल होती है। यहाँ हमारे पास इंसर्ट टेबल है, इंसर्ट टेबल कराना चाहते हैं यहाँ से करा सकते हैं, चार्ट ऐड कराना तो चार्ट ऐड करा सकते हैं, स्मार्ट ऐड ऐड कराना तो यहाँ से, और पिक्चर ऐड करानी तो आप यहाँ से पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर यहाँ से ऐड करानी चाहिए, और इंसर्ट वीडियो तो यहाँ से वीडियो भी आप लोग ऐड करा सकते हैं। एमएस वर्ड में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। वैसे इसकी प्रेजेंटेशन में इतनी यूज़ होती नहीं है, ज़्यादातर पिक्चर्स यूज़ होती हैं, बाकी चल के डिस्कस कर लेंगे। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगर ये आप लोगों को समझना है तो, वो भी मैं आप उसकी एक अलग से वीडियो में बना के दे दूंगा। अभी हम पिक्चर्स भी ऐड करना सीखेंगे, तो क्लिक टू ऐड टाइटल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख लेता हूँ कोर्सेज कि हमारे इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्सेज करा जाते हैं। क्लिक टू ऐड टैक्स है तो मैं यहाँ पर कोर्सेज के नाम मेंशन कर लूँगा, मैं लिख लूँगा ओएमएस, एमएस ऑफिस, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ऑटो कैड लिख लेते हैं, यहाँ पर 3D मॉडलिंग लिख लेते हैं, फिर हमने ग्राफिक लिख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ हमारे पास कोर्सेज के नाम हम लिख लेता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड एनिमेशन भी कर लेते हैं साथ। ये हमारे पास कोई कोर्सेज हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफर किए जाते हैं, तो वो इस तरह की हम प्रेजेंटेशन बना लेते हैं ताकि आप लोगों को इजी रहे समझने में। एनिमेशन, तो इस तरह की हमारे पास प्रेजेंटेशन बनती है। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग भी लिख लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये हमने अपने इंस्टीट्यूट में जो कोर्सेज ऑफर किए जाते थे वो हमने उसके नाम भी लिख लिया। अब जैसे ही मैं कंट्रोल एम कीबोर्ड से प्रेस कर लूँगा तो वहाँ पर न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी, उसमें हम लिख रहे थे फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस लिख लिया कि इसमें एमएस ऑफिस में इसकी क्लिक टू ऐड टैक्स का समझ आ रही होगी आपको कि एमएस क्लिक टू ऐड टैक्स मतलब इसको ब्रीफ करना, टाइटल मतलब इसके टाइटल और क्लिक टू ऐड टैक्स मतलब इसको ब्रीफ करें या डिफाइन करें जो भी आप टॉपिक है आपका। तो एमएस ऑफिस में जो जो चीज़ें पढ़ाई जाती है मैं उसका नाम लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ इंटरनेट लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ विंडो इंस्टॉलेशन। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ इंटरनेट एंड ईमेल। फिर मैं लिख लेता हूँ एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट एंड लास्ट इज एमएस वर्ड। ठीक है,
तो ये हमने विंडो इंस्टॉलेशन, इंटरनेट ईमेल, MSXL, MS पावरपॉइंट, MS वर्ड लिख लिया। इसी तरह हम और भी चीज़ें चाहें तो लिख सकते हैं, वो हमें ब्लैंक इस न्यू स्लाइड बैक करूँगा तो न्यू स्लाइड हमारे ऐड हो जाएगी। तो हम मैं लिख लेता हूँ, जैसे MS ऑफिस का लिखा तो हम लिख लेते हैं, हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड लिख लेते हैं, हम यहाँ पर हेडिंग डाल दूंगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को समझ आ रही होगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग इस तरह हमारे पास इस्तेमाल होगी, ठीक है ना। ठीक है, एडोबी हम यहाँ लिख लेते हैं कि एडोबी फोटोशॉप सीसी, एडोबी इलस्ट्रेटर, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सीसी कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं, इनडिज़ाइन कर लेते हैं, इनडिज़ाइन कर लेते हैं, कॉरल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उर्दू इन पेज भी कर लेते हैं, और हम कर लेते हैं उर्दू इन पेज, ठीक है। तो इस तरह की हमारे पास ये हमारे पास जो इंस्टीट्यूट की प्रेजेंटेशन बन गई है, प्रेजेंटेशन हमारे पास इस तरह बनाई जाती है। आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैंने जिस तरह प्रेजेंटेशन बनाई है, एटलीस्ट 20 to 25 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बनाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, कमांड अच्छी हो सके, और आप लोग इसको समझ सकें कौन कैसे स्लाइड ऐड कराते हैं, डिलीट कराते हैं, किस तरह स्लाइड बनाई जाती है, ताकि आपको जैसे ही जब फॉर्मेटिंग करना आ जाएगी तो हमारे को MS पावर पॉइंट आपको समझ आने लगेगा कि किस तरह इसमें MS पावर पॉइंट पर काम होता है। हमारे पास कोई चीज़ समझ ना ही हो, कोई इशू की बात नहीं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे, कैसा हम न्यू डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, कोई भी स्लाइड्स को कैसे हर एक स्लाइड में नया डिज़ाइन डाल सकते हैं, डिज़ाइन का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। जो फॉर्मेटिंग हम आहिस्ता आहिस्ता चल के पढ़ेंगे। आप लोग सपना क्या करें, दुआओं में आ रखें और चैनल को सपोर्ट दिखाएं, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और क्लास हमारी आती रहे इसी तरह जिस तरह मैं अपलोड करता जा रहा हूं। मेरा थोड़ा बिजी स्केड्यूल है, इसकी वजह से मैं हफ्ते में 1 वीक की क्लास अपलोड कर सकूँगा, तो मैं हर दिन क्लास अपलोड नहीं कर सकता ड्यू टू सम